फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तूफानी पहाड़ी। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम है उनको कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था एनवायरनमेंट की जो सीरीज चल रही है उसमें, जो लास्ट लेक्चर था फर्स्ट लेक्चर, उसमें हमने देखा था कि इकोसिस्टम के कितने टाइप्स हैं और इकोसिस्टम के क्या कॉम्पोनेंट है, जैसे बायोटिक कॉम्पोनेंट, एबायोटिक कॉम्पोनेंट एंड टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि इकोसिस्टम की क्या फंक्शनैलिटी है, जैसे फंक्शनैलिटी मींस इकोसिस्टम में कैसे एनर्जी का फ्लो होता है, इकोसिस्टम में क्या फूड चेन है, फूड वेब्स होते हैं, ट्रॉपिकल लेवल्स क्या होते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड्स एंड बायोकेमिकल साइकिल्स, ये वाले सारे पार्ट हम इसमें कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से, एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो पहले हम इकोसिस्टम में समझते हैं कि एनर्जी फ्लो का क्या मतलब है। अगर हम इकोसिस्टम में देखते हैं तो लेट सपोज कि एक इकोसिस्टम में ग्रासेस हैं, उन ग्रासेस के ऊपर फीड करने वाले ग्रास हॉपर्स हैं, ग्रास हॉपर्स को खाने वाले रैट्स हैं, रैट्स के ऊपर स्नेक्स एंड ईगल्स। तो इस फॉर्मेट में ये सारी चीजें चलती हैं इकोसिस्टम में। तो इकोसिस्टम में एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जब वो उस पर फीड करते हैं तो लगातार एनर्जी का भी फ्लो होता रहता है। इस एनर्जी के फ्लो को ही हम कवर करेंगे। मैं इसमें रीड करता हूँ, द एनर्जी फ्लो इज बेसिक फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम इन द एनवायरमेंट। बोथ एनर्जी एंड मैटर आर कंजर्वड इन इकोसिस्टम डेट नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। इस लाइन का मतलब समझो कि जब ग्रास हॉपर ग्रास को फीड कर रहा है तो ग्रास का जो वो मैटर है वो ग्रास हॉपर में जा रहा है, ग्रास हॉपर का जो मैटर है वो रैट में जा रहा है। तो इस तरह से मैटर लगातार ट्रांसफर होता रहता है इकोसिस्टम में। लास्ट स्लाइड में भी हमने यही देखा था कि किस तरह से जो है ये मैटर जो है रेगुलेट होता रहता है पूरे इकोसिस्टम में। ऐसे ही एनर्जी भी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में पास होती रहती है। इस फ्लो ऑफ एनर्जी से ही इकोसिस्टम रन करता है। इसमें एक लाइन रीड करेंगे हम, मैटर इज रिसाइकल्ड का मतलब है, लेट सपोज अगर प्लांट ने एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन को रिसीव किया है और अपने में स्टोर किया है, ये कार्बन जब वो प्लांट डिके करेगा तो ये कार्बन दोबारा से रिलीज हो जाएगा सॉइल के अंदर और उस सॉइल से दोबारा से चला जाएगा एनवायरमेंट में। तो इस तरह से मैटर लगातार एनवायरमेंट और इकोसिस्टम के अंदर रिसाइकिल होता रहता है, नया मैटर नहीं आता है ना कहीं मैटर बाहर जाता है। एनर्जी के लिए हम रीड करते हैं, एनर्जी अनलाइक मैटर कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। जब हम एनर्जी के लिए, ये प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, इसके अराउंड जरूर सवाल आते हैं। जब हम लिखते हैं एनर्जी रिसाइकिल नहीं हो सकती, इसका मतलब जब प्लांट के ऊपर या ग्रासेस के ऊपर ग्रास हॉपर फीड करते हैं तो देर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी। जब ग्रास हॉपर के ऊपर रैट फीड करते हैं तो देर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी का मतलब है ग्रास हॉपर ने जितना खाना खाया और उसने जो काम किया, उस काम करते वक्त जो एनर्जी रिलीज हो जाती है एनवायरमेंट में, दैट इज द लॉस ऑफ एनर्जी। वो जो एनर्जी लॉस हुई है वो रैट में नहीं जाएगी, ना रैट के थ्रू स्नेक में जाएगी, इसलिए देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी। इसलिए एनर्जी साइकिल कभी भी, एनर्जी के लिए हम साइक्लिक वर्ड यूज नहीं करते, हम बोलेंगे मैटर इज अ साइक्लिक फिनोमेना बट एनर्जी इज नॉट। तो ये प्रीलिम्स में लगातार इस प्रकार के सवाल आएंगे। अब हम एनर्जी के लिए आगे एक लाइन पढ़ते हैं, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बिटवीन ट्रॉपिक लेवल्स व्हेन वन ऑर्गेनिज्म ईट अनदर एंड गेट्स द एनर्जी रिच मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स प्रेज बॉडी। हाउएवर दीज ट्रांसफर्स आर इनएफिशिएंट। जो हम ये शब्द इस्तेमाल किया इनएफिशिएंट का मतलब दैट देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी। जो लॉस ऑफ एनर्जी है उसके जो डेली के जो काम काज है उसमें जो एनर्जी रिलीज हो रही है दैट इज द लॉस ऑफ एनर्जी एंड दिस इनएफिशिएंसी लिमिट्स द लेंथ ऑफ फूड चेन। अब इसका मतलब समझो, एक लेट सपोज अगर अब एक हम ट्रॉपिक लेवल बनाते हैं जहाँ पे नीचे ग्रासेस हैं, ग्रास के ऊपर ग्रास हॉपर फीड कर रहे हैं तो एनर्जी ऊपर की तरफ को घटती चली जाती है। ये जो एनर्जी का घटना है इसी की वजह से आप देखोगे कि ट्रॉपिक लेवल में एक कैप लग जाती है, 5 से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल एग्जिस्ट नहीं करते और जो लॉस ऑफ एनर्जी है दैट इज द 10% ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में यही देखेंगे कि किस तरह से ये एनर्जी लगातार घटती जाएगी एज वी गो अप इन द पिरामिड। जैसे आप देखेंगे ये जो, लेट सपोज ये जो प्लांट है, इस प्लांट पे हर्बीवोर्स फीड कर रहे हैं, हर्बीवोर्स पे प्राइमरी कार्निवोर्स फीड कर रहे हैं और जहां जहां पे ये लॉस ऑफ हीट दिखा रखा है हमने, ये लॉस ऑफ हीट है जो उनकी रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज हो रही है। रेस्पिरेशन का मतलब है जो वो सांसें ले रहे हैं उसमें जो लॉस ऑफ एनर्जी है डेट इज द लॉस ऑफ एनर्जी। अब इस वीडियो में हम देखें तो जो हम कह रहे थे देयर इज अ 10% लॉस ऑफ एनर्जी एट एवरी ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल में हम बोलते हैं कि जो एक प्लांट, जो भी एक एनिमल की पोजीशन है इस पिरामिड के अंदर, इस फूड चेन के अंदर, वो उसका ट्रॉपिक लेवल होता है। जैसे प्लांट को हम बोलेंगे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर जो हर्बीवोर्स हैं वो सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल पे होते हैं। प्राइमरी कार्निवोर्स जो होते हैं जो उन हर्बीवोर्स के ऊपर, जैसे प्लांट को अगर
डियर ने फीड किया है और डियर को अगर लायन ने फीड किया है तो लायन थर्ड नंबर पे आ जाएगा, डियर सेकंड नंबर पे आ जाएगा। तो इसी तरह प्रकार से ये फूड चेन चलती है। हम हर बार देख रहे हैं देयर इज अ एट एवरी लेवल देयर इज अ लॉस ऑफ हीट एनर्जी। ये जो लॉस ऑफ हीट एनर्जी ये उनके कामकाज में खर्च हो रही है और ये 10% हम लगातार देखेंगे कि किस तरह से घटती चली जा रही है। सेकेंड कॉन्सेप्ट देखते हैं हम इकोसिस्टम में। फर्स्ट हमने देखा था एनर्जी का, सेकेंड देखेंगे अब फूड चेन एंड फूड वेब। अब फूड चेन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? अ फूड चेन इज अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म थ्रू विच न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी पास एज वन ऑर्गेनिज्म ईट्स अनदर। मींस कि जैसे कि फूड चेन एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड करता है तो जो न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी ट्रांसफर होती है उस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को जो लीनियर सिक्वेंशियल पैटर्न है इसी को हम फूड चेन से डिफाइन करेंगे। अब फूड चेन में हम देखते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं जिसको हम ग्रासेस या प्लांट्स बोल रहे हैं, उनके ऊपर फीड करने वाले प्राइमरी कंज्यूमर जिनको हम प्राइमरी हर्बीवोर्स भी बोलते हैं जैसे प्लांट ईटर्स हैं, इनके ऊपर फीड करने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर और कार्निवोर्स, इन कार्निवोर्स पे फीड करने वाले टर्शियरी कंज्यूमर्स लाइक ईगल्स हैं, बिग फिशेज हैं अगर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम को स्टडी करें, और जो टॉप ऑफ द पिरामिड में एग्जिस्ट करते हैं इनको बोलते हैं क्वार्टनरी कंज्यूमर्स और द एपेक्स कंज्यूमर। एपेक्स कंज्यूमर का मतलब है जो पिरामिड के टॉप पे टिप पे बैठे हुए हैं उनको बोलेंगे एपेक्स कंज्यूमर्स। स्लाइड में देखते हैं इन अ फूड चेन ईच ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइज अ डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। अब ट्रॉपिक लेवल को यहीं से हम डिफाइन करते हैं कि ट्रॉपिक लेवल में मतलब है कोई भी ऑर्गेनिज्म की जो पोजीशन है उस फूड चेन के अंदर वो उसका ट्रॉपिक लेवल होता है। अब ये ट्रॉपिक लेवल को डिफाइन ये ट्रॉपिक लेवल के ऊपर लिमिट लगाएगा वही कि एनर्जी फ्लो है कि देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी देयरफॉर इट हैज अ कैपिंग ऑन द फूड चेन। फूड वेब को हम डिफाइन करेंगे। फूड वेब कंसिस्ट ऑफ मेनी इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स एंड आर मोर रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंजप्शन रिलेशनशिप इन इकोसिस्टम। इसका मतलब है इकोसिस्टम में सारी चीजें इतनी सिंप्लीफाइड नहीं होती फूड चेन की तरह, लगातार फूड वेब बनते रहते हैं। फूड वेब का मतलब है जैसे अब हम इस डायग्राम में देखेंगे देयर इज अ सीक्वेंशियल पैटर्न ऑफ फूड चेन कि कॉर्न्स को रैट ने खाए, रैट को ऑल्स ने खाए, सेकंड में देखते हैं हम कैरेट को रैबिट फीड कर रहा है, रैबिट पे फॉक्स फीड कर रही है और फॉक्स पे लाइन फीड कर रहे हैं। तो ये सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ फूड चेन है लेकिन ऐसा जनरली नहीं होता है। देयर इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना जिसको हम बोलते हैं फूड वेब। फूड वेब का मतलब है इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स को हम फूड वेब कहते हैं। जैसे इस कैक्टस को रैट ने खाया, इस रैट को इतने सारे कंज्यूमर्स खा सकते हैं तो इतने सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्रिएट हो जाते हैं। ये जो सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है इन्हीं को हम फूड वेब बोलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं ट्रॉपिक लेवल इकोसिस्टम है, इसको हम डिफाइन करते हैं द ट्रॉपिक लेवल इज द पोजीशन दैट एन ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई इन अ फूड चेन दैट इट ईट्स एंड व्हाट ईट्स इट। मींस एक फूड चेन के अंदर कोई ऑर्गेनिज्म किसको खा रहा है और इस ऑर्गेनिज्म को कौन खा रहा है, इस सारे पैटर्न को इस सारी पोजिशंस को हम बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। जैसे हम देखेंगे इस डायग्राम में कि प्लांट्स हमेशा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे होते हैं, हर्बीवोर्स सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल पे, हर्बीवोर्स के ऊपर फीड करने वाले थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे, इनके ऊपर फीड करने वाले फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे। जैसे प्रोड्यूसर, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, कार्निवोर्स, ये सारे डायग्राम के थ्रू डिपिक्ट किए हुए। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं जिसके अराउंड काफी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड। अब हम पिरामिड को कैसे डिफाइन करते हैं? एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें बेस काफी ज्यादा ब्रॉड होता है और जैसे जैसे उसकी हाइट बढ़ती है तो लगातार उसकी विड्थ या बेस घटता चला जाता है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पिरामिड। अब इकोलॉजी के अंदर, इकोसिस्टम के अंदर नंबर का पिरामिड अगर हम बोलते हैं, नंबर के पिरामिड से मतलब है कि ज्यादा लोग नीचे वाले एरिया में फीड कर रहे हैं उनके ऊपर अगर कार्निवोर्स हैं तो वो हर्बीवोर्स से कम होंगे और जो सेकंड लेवल पे कार्निवोर्स हैं उनके ऊपर फीड करने वाले कार्निवोर्स उनसे थोड़े कम होंगे। जैसे प्लांट के ऊपर डियर्स ही फीड करते हैं, डियर्स नंबर में बहुत ज्यादा हैं, प्लांट डियर से भी ज्यादा हैं, लेकिन डियर्स के ऊपर फीड करने वाले लायंस डियर से कम हो जाएंगे। तो ऐसे लगातार नंबर में जो है फूड चेन घटती चली जाती है। सेकंड टाइप का पिरामिड होता है पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास का मतलब है कि टोटल जितना भी मास है, जितना भी वेट है किसी भी ट्रॉपिक लेवल पे वो लगातार घटता चला जाएगा जैसे जैसे हम ट्रॉपिक लेवल पे या फूड चेन में ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। जैसे अगर बहुत सारे प्लांट हैं जिनका बायोमास, जिनका टोटल वेट बहुत ज्यादा होगा, उनके ऊपर फीड करने वाले हर्बीवोर्स उनके कंपैरेटिवली हमेशा कम होंगे,
उन हर्बीवोर्स के ऊपर फीड करने वाले अगर टोटल मास को इकट्ठा करेंगे कार्निवोर्स का, वो हर्बीवोर्स के से कम होगा। जैसे एक लायन लेट सपोज 100 डियर्स के ऊपर फीड करता है, तो लायन का वेट एज कम्पेयर टू दी 100 डियर्स हमेशा कम होगा। वो 100 डियर्स इतने बड़े ग्रासलैंड को ईट करेंगे, तो ग्रासेस का जो नेट वेट होगा वो डियर से ज्यादा निकल के आएगा। तो इसलिए हम कहते हैं लगातार ये जो है घटता चला जाता है। सबसे पहले हम बायोमास पिरामिड को ले रहे हैं। अब ये जो बायोमास का पिरामिड है, इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। द बायोमास पिरामिड शोज द अमाउंट ऑफ बायोमास लिविंग और ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म। ये बायोमास की परिभाषा है, प्रेजेंट पर यूनिट एरिया एट ईच ट्रॉपिक लेवल। अब इसके दो कॉम्बिनेशन बनते हैं, अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास। अपराइट का मतलब है कि अगर इसी प्रकार से पिरामिड बने। दूसरा एग्जांपल होता है इन्वर्टेड पिरामिड। इन्वर्टेड का मतलब है कि पिरामिड को अगर हम उल्टा कर देंगे, इस तरह का जो पिरामिड बनता है बायोमास का, ये जनरली एक्वेटिक इकोसिस्टम में बनता है। इसका हम आगे डायग्राम से समझते हैं। अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास में अब हम देखते हैं कि कैसे एक ग्रासलैंड में अपलैंड पिरामिड बनेगा, कि इतना सारा ग्रासेस है, उन ग्रासेस पे फीड करने वाले डियर्स कम होंगे, डियर्स के ऊपर फीड करने वाले कार्निवोर्स घटते चले जाएंगे, तो ये अपराइट स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा। इसी के विपरीत, जैसे ये एक एग्जांपल में देखते हैं, हम इतने सारे प्रोड्यूसर्स हैं, उनके ऊपर हर्बीवोर्स हैं, हर्बीवोर्स के ऊपर फीड करने वाले कार्निवोर्स हैं, और जो लगातार बायोमास में घटते चले जा रहे हैं। अगर हम इन्वर्टर देखेंगे या रिवर्स पिरामिड देखेंगे, तो हम इसमें देखेंगे ये वाटर बॉडी में, एक्वेटिक सिस्टम में बनेंगे। इन अ वाटर बॉडी द प्रोड्यूसर्स आर टाइनी फाइटोप्लैंक्टन्स दैट ग्रो एंड प्रोड्यूस रैपिडली। इन दिस कंडीशन द पिरामिड ऑफ बायोमास हैज अ स्मॉल बेस विद द प्रोड्यूसर बायोमास एट द बेस प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द कंज्यूमर बायोमास हैज लार्जर वेट। मींस लगातार जो है ऊपर की तरफ बायोमास इंक्रीज होता जाएगा। यहाँ पे इन्वर्टेड होता है कि आप देखेंगे जैसे जैसे इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम में अगर आप ऑर्गेनिज्म देखोगे, जो लार्जर ऑर्गेनिज्म है, लेट सपोज वेल है, शार्क है, इनका अगर टोटल बायोमास देखोगे, ये एज कम्पेयर टू दी छोटे छोटे जो प्लैंकटन्स हैं, जो प्राइमरी लेवल पे इन पे फीड की जाती है फिशेज, उनके कंपेरेटिवली बहुत बड़े होते हैं। जैसे कि ये वाला पार्ट हम देखते हैं, कितने सारे प्रोड्यूसर्स हैं, उनके ऊपर हर्बीवोर्स हैं, उनके ऊपर कार्निवोर्स हैं, और कार्निवोर्स का बायोमास देखोगे, प्रोड्यूसर का 4 ग्राम पर मीटर स्क्वायर, हर्बीवोर्स 8 ग्राम एंड कार्निवोर्स आर 12 ग्राम। ये लगातार इनका बायोमास बढ़ता चला जाएगा। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी से रिलेटेड दो कॉन्सेप्ट हैं बायो एक्यूमुलेशन, बायोमास से रिलेटेड। अगर किसी इकोसिस्टम के अंदर, लेट सपोज चाहे वो एक्वेटिक है, चाहे वो ग्रासलैंड है या टेरेस्ट्रियल है, एक्वेटिक इकोसिस्टम में लेट सपोज किसी भी प्रकार का एक ऐसा एलिमेंट चला जाता है जो कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। लेट सपोज अगर मरकरी जो है पानी में गिर जाए और उस मरकरी को फिशेज फीड करें, तो लगातार मरकरी उन फिशेज में एक्यूमुलेट होता जाएगा। तो इस प्रोसेस को, जो एक्यूमुलेट हो रहा है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस किसी भी इकोसिस्टम में, उसको बोलेंगे बायो एक्यूमुलेशन, की मछलियों में बायो एक्यूमुलेशन हो चुका है। अगर एक उस मछली को और मछलियां फीड करें और उसको और बड़ी मछली फीड करें, तो लगातार ये देखेंगे बायो एक्यूमुलेशन जो है ये बायो मैग्निफिकेशन बन गया। मैग्निफिकेशन का मतलब है कि छोटी मछली ने 1 ग्राम अगर मरकरी कंज्यूम किया है और बड़ी मछली ने ऐसी 100 मछलियों को खाया है, तो बड़ी मछली में 100 ग्राम जो है मरकरी का एक्यूमुलेशन हो गया, और उससे बड़ी मछली ने ऐसी 10 मछलियों को खाया है जिनके पास 100 ग्राम था, तो बड़ी मछली में 1000 ग्राम मरकरी जा चुका है। तो ये जो लगातार मैग्नीफाई हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है मरकरी, इस प्रोसेस को बोलेंगे बायो मैग्निफिकेशन। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर का वही जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ग्रासलैंड में अगर हम देखेंगे तो हर्बीवोर्स ज्यादा होंगे, उन हर्बीवोर्स के कंपैरेटिवली कार्निवोर्स कम होंगे, और उन कार्निवोर्स के ऊपर फीड करने वाले जो बड़े कार्निवोर्स हैं वो और घटते चले जाएंगे। तो ये जो पिरामिड ऑफ नंबर है, ये ऊपर की तरफ बढ़ते हुए कम, इसमें जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो घटते चले जाएंगे। अब पिरामिड ऑफ नंबर जो हम देखते हैं जनरली अपराइट ही होता है, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर, तो लगातार ये नंबर में घटते चलेंगे। लास्ट हम देखते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी। ये बहुत ही सिंपलीफाइड है कि एनर्जी हमने देखा, सिंस देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी एट एवरी ट्रॉपिक लेवल, तो ये जो लॉस ऑफ एनर्जी है ये हमेशा एनर्जी पिरामिड, अगर आप फूड चेन में जाओगे तो घटती चली जाएगी, इसलिए इसको बोला जाता है देयर इज अ ऑलवेज वर्टिकल पिरामिड ऑफ एनर्जी।
जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर प्राइमरी लेवल पे 1000 किलो जूल किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी है, तो प्राइमरी कंज्यूमर में वो सारी एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी, कुछ एक एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, वो सेकेंडरी कंज्यूमर में और कम हो जाएगी और टर्शियरी कंज्यूमर में और कम हो जाएगी। इसलिए हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम पिरामिड या फूड चेन में ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, एनर्जी लगातार घटती चली जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, अभी दो वीडियो में हमने देखा इकोसिस्टम के कॉन्सेप्ट हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। उसके बाद वाले वीडियोस में हम देखेंगे इंटरनेशनल कन्वेंशंस को, जो हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि इंटरनेशनल कन्वेंशंस को कवर करेंगे, फिर हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो एनवायरमेंट के डोमेन में काम कर रहे हैं उनको कवर करेंगे, फिर इंडियन ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशंस को कवर करेंगे, फिर लास्ट वीडियो जो होगी वो आपके करंट अफेयर होंगे, जिसमें एक साल के करंट अफेयर हम एनवायरमेंट के डोमेन से कवर करेंगे। थैंक यू।